हेलो दोस्तों, क्या आपकी कमर में भी दर्द है? मैं उस दर्द के बारे में बात नहीं कर रही हूँ जो दर्द आपको रेगुलर बना रहता है या फिर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, लाइक आपको डिस्क की प्रॉब्लम है, आपकी कोई नस ब्लॉक है। मैं उस पेन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं उस दर्द के बारे में बात कर रही हूँ जो जैसे कि अगर आप बहुत देर से बैठे हुए हो तो आपकी बैक में पेन स्टार्ट हो गया, आप काफ़ी देर से खड़े हुए हो तो आपकी कमर में दर्द स्टार्ट हो गया। तो मैं उस दर्द के बारे में बात कर रही हूँ जो आपको बैठे या खड़े रहने से दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो उस दर्द के बारे में आज हम कुछ जानेंगे, उसके लिए कुछ एक्सरसाइज करेंगे जिससे हम उस पेन को, जो हमें इंस्टेंट वो पेन स्टार्ट होने लगता है धीरे धीरे, उस पेन को ख़त्म करने के लिए आज हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि ये दर्द होता किस वजह से है, किस रीज़न से ये दर्द बाहर निकल कर आता है, तो ये हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझे या मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और पास ही में दिख रही बेल को जल्दी से प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम बात करते हैं कि ये बैक पेन होता क्यों है। दोस्तों, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, जो उसकी शेप होती है वो इस तरीके से थोड़ी सी कर्व में होती है। तो क्या होता है जब हम खड़े होते हैं तो क्या होता है, वो जो हमारा बैक, जो हमारा लुम्बर पार्ट है, यानी कि जो हमारा सबसे नीचे वाला पार्ट है, वो अंदर की तरफ चला जाता है, यानी कि वो जो पूरा पेट हमारा बाहर की तरफ आ जाता है और हमारी जो बैक है वो अंदर की तरफ टर्न हो जाती है, अंदर की तरफ टिल्ट हो जाती है थोड़ी सी। लेकिन पेन किस वजह से होता है? पेन हमारा इसलिए होता है कि जो हमारी हड्डी है, जो हमारी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, उसके बीच में एक फ्लूइड होता है। जब वो फ्लूइड खड़े होते हैं, जब हमारी बैकबोन टिल्ट होती है, तो वो आपस में टकराने लगते हैं। क्या होता है कि जब उन पे प्रेशर पड़ता है धीरे धीरे, हम बहुत देर से खड़े हैं या हमारा पोस्चर करेक्ट नहीं है, तो उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। ये दर्द आपको पहले महसूस नहीं होता, जैसे जैसे वो फ्लूइड कम होने लगता है ये पेन आपको महसूस होने लगता है, फील होने लगता है। तो ये दर्द आपके फ्लूइड ख़त्म होने पर, दोनों हड्डियों का आपस में मिलने पर ये दर्द आपको स्टार्ट होने लगता है। इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरा कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस है, आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी, विटामिन बी12, किसी भी चीज़ की, इन चीज़ों की कमी है, मतलब आपके अंदर जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टेमिना बहुत आपका कम है, आपकी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा लो रहता है। या फिर लेडीज़ को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि क्या होता है कि उनको मंथली बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ पीरियड्स की। जैसे मंथ में उन्हें पीरियड्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, जिस वजह से क्या होता है उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वीकनेस आ जाती है, जिस वजह से भी उनको पेन स्टार्ट होने लग जाता है। तो इसको क्योर करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा, साथ ही एक्सरसाइज करनी होगी जिसे करके हम अपने इस पेन को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं उन एक्सरसाइजेस की तरफ। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हो और आप फ्री हो तो आप मेरे साथ ये एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आप भी इस पेन के शिकार हो, अगर आपको भी ये शिकायत है कि आपको भी इस खड़े होते काफ़ी देर खड़े हुए दर्द हो रहा है, बैठे बैठे आपको पेन हो रहा है, तो आप इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हो। और आप मेरे साथ लाइव वर्कआउट भी कर सकते हो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए और आप मेरे साथ लाइव वर्कआउट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं उन एक्सरसाइजेस की तरफ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप एक टावल ले लेंगे। इस एक्सरसाइज के लिए हम एक टावल ले लेंगे या फिर आप एक राउंड पिल्लो ले सकते हैं। आपको क्या करना है, इस तरीके का पिल्लो टावल लेना है और इसको अच्छे से रोल करना है। रोल करने के बाद इसको हम अपने बट के नीचे रखेंगे, अपने हिप के नीचे रखेंगे इस तरीके से। यस, यहाँ पे रख लेंगे हम। हमको क्या करना है, धीरे धीरे अपने पैरों को सीधा करना है एक एक करके। पहले हम अपने इस पैर को सीधा करेंगे और इस वाले पैर को अपनी चेस्ट से इस तरीके से प्रेशर करेंगे, टाइटली हग करेंगे इस तरीके से, फुल प्रेशर। आपके जो टोज हैं वो पॉइंट आउट करके बाहर की तरफ। इसमें हम 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब धीरे से इस वाले पैर को स्ट्रेट करेंगे और इस वाले पैर को धीरे धीरे फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हम इसको भी 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5।
रिलैक्स। तो आपको इस एक्सरसाइज को दोनों साइड से 10-10 टाइम्स करना है और आपको 5 सेकेंड तक होल्ड करना है ताकि आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिल सके और आपका जो दर्द है वो गायब हो सके। अब हम टॉवल को साइड में रख देंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको क्या करनी है, अपने दोनों पैरों को इस तरीके से रखना है। आपकी जो बॉडी है वो एक 90 डिग्री में होने चाहिए, यानी कि आपका ये पार्ट भी आपका 90 डिग्री में एंड हिप यहाँ से लेके आपकी बैक भी एक 90 डिग्री में इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, आपके हाथ साइड में, आपको अपने टोज की मूवमेंट करनी है अंदर की तरफ, जितना हो सके अपना अंदर की तरफ खींचिए एंड रिलैक्स। फिर से अंदर की तरफ खींचेंगे और 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स। एक बार और करेंगे जितना हो सके अंदर की तरफ स्ट्रेच। 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। बढ़ते हैं हमारी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। इन सभी एक्सरसाइजेस को आपको 30 सेकेंड तक परफॉर्म करना है। आप 30 सेकेंड तक अंदर पैर को होल्ड करेंगे, जितना हो सके आप एक पोजीशन में, एक पोस्चर में होल्ड कीजिए ताकि आपको अच्छा सा रिजल्ट मिल सके। हमारी थर्ड एक्सरसाइज, आपके जो हाथ हैं वो आपके हील के पास इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, सांस भरते हुए इनहेल करते हुए अपनी बैक को लिफ्ट करना है इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, अपने हाथों की मुट्ठी बनानी है इस तरीके से और अपनी बैक में धीरे धीरे इस तरीके से मारना है। 5 सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5 एंड धीरे धीरे डाउन। एक बार और करेंगे, इनहेल करते हुए अपने बैक को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे, मुट्ठी बना के इस तरीके से अपने बैक को हिट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स। आप इंस्टेंट फील करेंगे कि आपको थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। इस एक्सरसाइज को भी आपको 30 टाइम्स परफॉर्म करना है। अगर आप बिगनर हो, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो आप 10 टाइम्स से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें 5 सेकेंड तक होल्ड करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसके लिए हम बैठ जाएंगे। यस, हमारी नेक्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज, इस तरीके से आप क्रॉस लेग करके बैठेंगे, आपके हाथ इस तरीके से, इनहेल एंड एक्सहेल डाउन। जितना हो सके आप आगे जाइए, अपने हाथों को अपने फिंगर से वॉक करेंगे धीरे धीरे और आगे एंड टच योर फोरहेड। अगर टच नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 धीरे धीरे वापस। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड में, यानी कि एक बार हम सेंटर में, एक बार राइट में और एक बार लेफ्ट में हम जाएंगे। अब हम राइट की तरफ जाएंगे इस तरीके से, धीरे धीरे अपने हाथों से, अपनी फिंगर से वॉक करते हुए। आप ध्यान रखिए आपका जो पैर है वो उठना नहीं चाहिए, ये नीचे ही रहे। जहाँ पे आपका पैर उठने लगे, आपका घुटना उठने लगे, वहीं पर आप होल्ड कीजिए, रुक जाइए। 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स। आप फील करेंगे कि आपको यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है। वापस अब हम लेफ्ट साइड में करेंगे, धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए। 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स। आप अपने इस साइड में स्ट्रेच फील करेंगे। जिस साइड आप जाएंगे, आपका ये वाला हाथ है, इस वाले हाथ से थोड़ा सा आगे जाना चाहिए, तभी आप स्ट्रेच को फील कर पाएंगे। तो आपको इस एक्सरसाइज को तीनों साइड करना है 5-5 सेकेंड। आप चाहें तो 30 टाइम्स कर सकते हैं, 10 टाइम मिड में, 10 राइट, 10 10 लेफ्ट, आपके 30 रेपिटेशंस कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरीके से करके आपको सभी एक्सरसाइजेस को 5-5 सेकेंड तक होल्ड करना है। आपको इन एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस डेली करनी है। अगर आप डेली नहीं कर पा रहे हैं तो आपको वीक में एटलीस्ट 3 टाइम्स इन एक्सरसाइजेस को करना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी जो मूवमेंट है खड़े होने की, जो आपका पोस्चर है खड़े होने का, वो धीरे धीरे करेक्ट होने लगेगा। जैसे अगर आप मूवमेंट भी करोगे, क्या होता है कई बार हम मूवमेंट करते हैं तो भी अचानक से हमारे कमर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो ये आपको उसमें भी इंस्टेंट रिलीफ देगा, धीरे धीरे रिलीफ देगा, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी टाइम आपको रिलीफ देगा।
साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि आपको आपका जो खान पान है वो अच्छा होना चाहिए। आप ऐसा खाना खाइए जिससे आपको मतलब आपकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो फुलफिल हो, तो आपको ऐसा खाना खाना है। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आपका कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। मिलती हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। बाय बाय।